व्यूअर्स वेलकम टू ऑल एकेडमी और ये वीडियो जो एकेडमी इसमें ये दिल्ली में जब हम काम करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर आपको पता ही है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है कोई भी ईयर हो। तो अब हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गया, 31 मार्च 2019 पे कंप्लीट हो गया। तो अब हमारे पास जैसे ये कंपनी है, ये हमारा डाटा कंप्लीट है, अब हम 1 अप्रैल 2019 से एंट्री करना चाह रहे हैं तो कैसे करें? तो एक सिंपल तरीका यहाँ पे वो होता है कि जब आप गेट वेब टैली पे जाते हैं, देखो गेट वेब टैली यहाँ लिखा है और यहाँ लिखा है, इसे क्या रहता है गेट वेब टैली। तो आपको क्या करना है, सिंपली Alt+F2 प्रेस कर देना। तो आपको यहाँ पीरियड नजर आ रहा होगा 1 अप्रैल 2018 से 2019 तक, तो आपको इसको 2019 को क्या कर देना है 2020 कर दो। तो इससे बेनिफिट क्या है कि आप पिछले साल की भी एंट्री कर सकते हैं और न्यू ईयर की भी एंट्री कर सकते हैं। तो जैसे मैं एक न्यू ईयर की एंट्री कर देता हूं, मैं कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा हूं अपने बिजनेस में 15,000, ये तो पुरानी डेट थी, आज की तारीख है 19/4 कि मैंने एंट्री कर दिया। सॉरी बैक पेज अप करके मैं चेंज करता हूँ, यानी 4/2019। ठीक हो गया, अब आप चेक कर सकते हैं पेज अप करके 19/4/2019 और पेज अप। हाँ, तो ये एंट्री हो गई है, अब एंट्री कर ली है। अब हम देखना चाहेंगे एंट्री हमारी हो गई है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि जो आपकी पुरानी कंपनी थी उसी में आगे का डाटा आगे कैरी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहें कि कंपनी अलग अलग हो जाए तो उसके लिए हम Alt+F3 प्रेस करेंगे। हमारे पास स्प्लिट कंपनी, स्प्लिट कंपनी में आएंगे और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जो हमारी जिस कंपनी को हम स्प्लिट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे 1 अप्रैल 2019 ऑटोमेटिक लिखा आ रहा, लेकिन आप चाहें तो यहाँ पे जिस टाइम से स्प्लिट करना चाहते थे वो आप कर सकते हैं। जैसे हमने 10 तारीख से किया हो तो यहाँ पे 10 तारीख भी कर सकते हैं। और जब आप स्प्लिट करेंगे तो दो नई कंपनी आपको क्रिएट होगी, एक तो पहले से ABC बनी हुई है, उसके बाद एक नई कंपनी बनेगी ABC 1 अप्रैल 2018 से। तो इसमें क्या होगा, 1 अप्रैल 2018 से 2019 तक का डाटा आपको कम्प्लीट रहेगा और सेकेंड कंपनी में 1 अप्रैल 2019 वाला जो भी आपने एक दो एंट्री की है वो एंट्री आपकी आ जाएंगी और जो पुरानी कंपनी है वो यथावत बनी रहेगी। तो आपको एक्सेप्ट कर देना है, यस कर देना। जितना आपका ज्यादा डाटा होगा उतना ज्यादा यहाँ पे टाइम लेगा, अगर आपका डाटा कम है तो जल्दी से आपका प्रोसेसिंग हो जाएगा। ये 100 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, प्रोसेसिंग आपकी चल रही है, आपकी नीचे कुछ दिख रही है। ये प्रोसेस थोड़ा टाइम तो लेती है लेकिन आपका काफी टाइम बच जाता है, क्योंकि जब आप एक नई कंपनी क्रिएट करते हैं तो पूरे आपको फीचर्स यस करने पड़ते हैं, पहले जितने लेजर स्टॉक आइटम मास्टर जो भी आपने क्रिएट किया हुआ आपको दोबारा से क्रिएट करना पड़ता है। तो साथ ही जो ओपनिंग बैलेंसेस है वो आपको ऑटोमेटिक नई जो कंपनी बनेगी उसमें मिल जाएंगे, काफी यूजफुल फीचर है। प्रोसेसिंग में टाइम जरूर लगता है, अगर आपका डाटा ज्यादा है तो कम है तो कम टाइम लगेगा, लेकिन बहुत ही यूजफुल फीचर है और आपका बहुत टाइम बचाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप स्प्रेड ना करो तो मैंने प्रोसेस बताई है आपको, गेट वेब टैली से आप Alt+F2 प्रेस करेंगे तो एक ही कंपनी में आप 2 साल या उससे ज्यादा आगे नेक्स्ट ईयर का भी डाटा कैरी कर सकते हैं। उसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं सेम स्प्रेड कंपनी की तरह, क्योंकि स्प्रेड कंपनी आप जब कर देते हो तो आप पुराने में अगर कुछ चेंज कर देते हो तो फिर नए में आपको मैनुअल करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक नहीं आएगा, जो कि अगर आप मल्टीपल यूज करते हो एक के साथ तो उसमें आता है। देखो हमारी अब 3 कंपनियां बन गई हैं यहाँ पे, एक बनी है ABC, ये पुराना है ABC 2018 से, ये 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक बननी है और ये 1 अप्रैल 2019 से 2020 तक के लिए क्रिएट हुई है। ठीक है, तो ये हमारी कंपनी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। तो ये सिंपल फीचर था स्प्लिट कंपनी डाटा।
तो अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कर सकते हैं, साथ में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।